आप लोग कहाँ से? अच्छा हो गया मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ. आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, शुरू से दिया है. इस हर जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें आप बहुत प्यार बरसाते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग एट माय साइड एंड बिलीविंग इन मी एंड माय वर्क. एंड हम पुश कर पाते हैं यार उससे, तो अगर आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट करते तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें आगे लेके जाता है. So thank you so much guys, thank you, I appreciate it. Okay, जब आप ये गाना कर रहे थे तो आपने मतलब क्या अच्छी यादें हैं इससे जुड़ी? जी काफ़ी हैं, काफ़ी अच्छी यादें हैं. मतलब एक जो हमने जब ट्रैवल किया, मैं ट्रैवलिंग नहीं भूलता बिकॉज मैंगलोर इतना खूबसूरत था. तो हम जब जर्नी से ट्रैवल कर रहे थे एयरपोर्ट से और मैंगलोर जा रहे हैं, तो जो 2-3 घंटे का रास्ता था वो मुझे नहीं भूलता है. फिर लोकेशन पे यू नो पहुँचते हैं, पूरी टीम से मिलते हैं. देन एक कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जब आप किसी एक शहर में जाते हैं, जो कुछ लोकेशंस कभी कभी ना आपको बहुत सही, जैसे बॉम्बे सिटी है तो इधर सब कुछ मिल जाता है, तो कभी कभी कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत चीज़ों की कमियाँ रहती हैं. तो आई थिंक वो भी एक एक्सपीरियंस है यार, जब आपके पास यू नो ठीक से नेटवर्क नहीं है. तो हमारे पास नेटवर्क नहीं था जैसे, तो कैसे हम सारे के सारे बॉन्ड कर पाए सेट पे. तो पूरा का पूरा क्रू शूटिंग के टाइम पे जो जो सारी मस्ती करी है, सो ऑल ऑफ दैट है सब कुछ. ओके, जब आप सॉन्ग कर रहे थे तो आपको क्या चैलेंजिंग लगा इसमें? चैलेंजिंग था वेदर, बहुत गर्मी थी बहुत. जो 12 बजे 1 बजे वाला जो एक टाइम होता है ना, वो जो एक्टर को अगर हमें धूप में बिठा दिया जाए, आई एम सो श्योर आप लोगों को भी ये चीज़ पता रहेगी, कभी कभी काम रहता है ना, जर्नलिस्ट का भी काम बहुत बहुत डिफिकल्ट है, यू नो ऊपर से देन DOPs वी हैव. सो जो उस धूप में 12 से 2 से 3 बजे का टाइम होता है ना, वो आपको इतना कभी कभी ड्राउजी ब्लैकआउट्स देने लग जाती है बीच में, वहाँ पर अपने आप को संभालना एक आई थिंक चैलेंज रहता है. बट रेस्ट अगर फिर मैंगलोर में ये था कि शाम आते आते मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तब तक तो मज़े आ गए थे, तो ऐसा था कि शूट ही करते रहो मज़ा चल रहा है. बट आई थिंक दैट वॉज द पॉइंट बिकॉज टेम्परेचर अभी एक इशू है, और मतलब मैं इस टॉपिक को एड्रेस नहीं करना चाह रहा, बट यू नो एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट विद इन ईयर्स ग्लोबल वार्मिंग इज़ फॉर रियल. यू नो मैं बहुत स्टडी करता हूँ, रीड करता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, नेचर से बहुत पसंद है, बट तो वो अब सडन शिफ्ट जो हो रहा है वो धीरे धीरे हर साल ना दिख रहा है, इतनी जल्दी इतनी गर्मी का आना. सो यस, बट ठीक है, वी आर डीलिंग विद इट. जी जी, मैं एक्चुअली मैंने ना बाल कुछ 1-1.5 साल से कटवाए नहीं, बिकॉज मैंने कोई ऐसा काम आए थे बीच में, मैंने पकड़ा नहीं था बिकॉज मैं कुछ प्रेप्स पे लगा हुआ था. तो उसी के दौरान कहते हैं ना, वो जब मैं IIT की भी तैयारी कर रहा था एक टाइम पे लाइफ में, इंजीनियरिंग की, ताकि एंट्रेंस की एग्ज़ाम की वो कर सकूँ, तब भी मुझे याद है कि मेरे बाल कहाँ जा रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं था. तो आई थिंक इट्स द सेम थिंग, मुझे 1-1.5 साल से कुछ पता नहीं था कितने मेरा लेंथ हो रहा है नहीं, और फिर मैं जस्ट आप लोगों के सामने इसी लुक के साथ आ गया, थोड़े से चॉप किए, ट्रिम किए, और जस्ट आई वाज देयर इन फ्रंट. तो पता नहीं कैसे है तेरे साथ, जी तेरे पास जी. आप अगर असली जिंदगी में रियल लाइफ में किसके साथ रहना पसंद करेंगे? ये तो मतलब मैं क्या ही कैसे ही बता सकता हूँ. आई थिंक ये लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं किसके साथ हूँ किसके साथ नहीं हूँ. सो आई थिंक इस पर तो मैं क्या ही बोलूँ ऑलरेडी, मतलब मैं जो साथी हैं जो मुझे पसंद हैं तो मैं उन्हीं के साथ रहना चाहूँगा यार, इसलिए जी. ओके, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट? अपकमिंग प्रोजेक्ट सून आई विल बी सीन इन वेब्स एंड यू नो द म्यूजिक वीडियोस, बिकॉज मुझे ये स्पेस बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना. ये मैं नहीं बता सकता अभी, दिस टू अर्ली फॉर यू गाइस टू नो दैट, बट डोंट वरी, वी हैव थिंग्स रनिंग इन, सो लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल. आई हैव यार, मुझे बस इट्स मच मोर देन अ मूवी. ऑल राइट, हर इंडियन को जाके ज़रूर देखनी चाहिए. इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक ऑल्सो एट द सेम टाइम, बट मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं, जो भी लोग मुझे कोई फॉलो करते हैं, आप प्लीज़ जाके देखिए, बिकॉज ना क्या है हिस्ट्री में क्या हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी यू नो कमी है, लैक है, लैक करता है काफ़ी चीज़ों में. तो एटलीस्ट बी अवेयर एंड देन हैव अ you know choice and a point of view towards that, but know what happened in you know previously jo hamare sath hum sab ke sath hua us time pe, and it's very unfortunate yeah. It's very unfortunate for everybody living in Kashmir. So I have, it's very heartfelt, it's a very intense topic, you know. So but like respect to the people who have gone through and suffered so much, the families, it's something like main mere jaise ladke to kya hi pehchanenge jo जिन्होंने एक्चुअली ये सब देखा नहीं, बट जिन्होंने देखा है बॉस, दैट इज़ द स्ट्रॉन्ग, तो वो है
यू नो उनकी फैमिलीज हैं. सो यस, आई जस्ट वांट टू से इट्स हार्ट फेल्ट. मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच गाइज फॉर बींग देयर. ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा भी यू नो प्यार देते हैं तो वो बहुत चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एनर्जीज बहुत कन्वर्ट हो जाती हैं. सो आई जस्ट अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. यू नो ज़्यादा वोकल नहीं होते हम इस चीज़ के बारे में, बट फॉर रियल एवरी डे वी फील लाइक आई फील यू नो ग्रेटफुल, आई फील ब्लेस्ड दैट ओके अच्छा आज गाना आए हैं, कल को नहीं भी आता है तो जितना प्यार आज तक दिया है आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू. सो थैंक यू फॉर बींग देयर विद मी एंड बाय माई साइड. थैंक यू.